When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour, got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some fucking cowards. The world is ours. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये अपनी फर्स्ट राइड है BMW S1000 RR पे रिवील होने के बाद। इससे पहले तो हम चला चुके हैं बट रिवील होने के बाद ये फर्स्ट राइड होने वाली है। तो आज हम लोग फुल गियर्स में, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा पार के साथ आती हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और लिविंग एग्जाम्पल है हमारे सामने इधर। तो चलो, S1000 RR चमक रही है एकदम भाई, देख रहे हो भाई, नजरें नहीं टिक रही है इस गाड़ी पे, इतनी सेक्सी लग रही है, क्या बात है। तो हम जा रहे हैं एक्सप्रेसवे की तरफ, बाकी बातें चलते हुए होंगी। और पीछे से लुक देखो भाई, भाई साहब क्या सेक्सी लग रही है भाई। कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से, नई वाली S1000 RR क्यों नहीं ली। मैंने कहा एक बार इसको देख तो लो पहले, एक बार इसको देख लो बस भाई। H2 रिजेक्ट किया गया है। हाँ बताओ जरा, एक बार बताओ कैमरे पे, रिजेक्ट किया गया। और सही में दोनों गाड़ी चलाने के बाद मैं भी अगर होता तो यही गाड़ी लेता भाई, अलग चीज है भाई। देखो वो एक्स्ट्रा पार है मानते हैं, बट उस पार को आप इतना अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो जितना अच्छे से। डायनामिक्स ज्यादा अच्छी है। हाँ डायनामिक्स तो भाई अलग ही है। तो भाई ये चीज जब लॉन्च हुई थी, जब आई थी ना, इट वॉज ऑलरेडी अहेड ऑफ इट्स टाइम। नई भी बगल में खड़ी कर दोगे ना तब भी यही ज्यादा रिफ्रेशिंग, ज्यादा एजी, ज्यादा एरोडायनेमिक लगेगा देखने में आपको। भाई सपने सपने होते हैं भाई, मजाक नहीं। तो ये सपना था अपना, और सपने के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं हम। चलो भाई लेट्स गो। सही है, अच्छा चाय पी रहे हम तो एक्सप्रेस में जा रहे हैं भगाने थोड़ा। अच्छा हाँ चलिए फिर, सैटरडे का सीन रखते हैं। चलो रखो। कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया। कैसे हो भाई? राइट। हाँ हम सुबह निकले, हमने कहा सोए नहीं थे भाई। एक्चुअली अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे तब तक आर्यन मिल गया, और ये लोग चाय पीने निकले हैं भैया। लॉन्डो का तो आप जानते हो, 5 रुपए की चाय पीने के लिए 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो ये तो खैर हमारे खून में लॉन्डो के अपने। आए हाय, डाउन शिफ्ट तो जान ले लेंगे भाई, ऐसे डाउन शिफ्ट और ऐसे अप शिफ्ट है भाई इस गाड़ी के, क्या चीज़ ले लिया भाई। मतलब लाइफ में मैं इतना सेटिस्फाइड किसी और मोटरसाइकिल से नहीं हुआ जो भी मैंने ओन करी आज तक। ड्यूक है, ड्यूक से इतना सेटिस्फाई हूँ डेफिनेटली। RS भी देखो बहुत पसंद है, बट ये तो भाई अलग लेवल है। इस बाइक में पता है जो जो मुझे चाहिए था वो चीज़ें मुझे मिल गई। कंफर्ट मिला, क्रूज़ कंट्रोल मिल गया। अगर लंबा टूर करना है आपको हाईवे वाला तो वो बहुत ही ईजी हो गया भाई। 500 किलोमीटर ऐसे कर दोगे भाई पता ही नहीं चलेगा। हीटेड ग्रिप्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, और पावर तो भाई ऐसी है ना, 209 BHP। मोटरसाइकिल Stage 2 ट्यून्ड है, और इसका एक्चुअली जो रेस मैप है वो अभी लगा भी नहीं है। एक्चुअली जब रेस मैप फ्लैश था ना तो सिटी के लिए ये गाड़ी इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर था भाई, वो ट्रैक के लिए एकदम था। तो इसलिए 209 BHP बहुत है मेरे लिए, और मुझे नहीं लगता मैं फ्लैश करने वाला हूँ इसको, या करवाने वाला हूँ एक्चुअली। खैर पावर का अंदाज़ा तो आपको हो ही जाएगा अभी जब भगाएंगे। फुल शिफ्टर तो भाई ये देखो, देखो ये देखो, देख रहे हो अप शिफ्ट, देखो बाप रे मक्खन होते हैं भाई मक्खन। काफी लोग की कमेंट आए थे कि इसको ZX 10R के अगेंस्ट रख के देखो, मतलब जो अपने दद्दा वाली 10R है ब्रांड न्यू 2022 एडिशन वाली, उसके अगेंस्ट रख के देखो कैसे परफॉर्म करती है, बिकॉज जो पावर फिगर्स है वो सेम है, ये थोड़ा ऑफकोर्स लाइट वेट ज़्यादा है। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी? सबसे बेस्ट चीज़ मुझे, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक टैप पे आपके पास है। जैसे 10R में मैंने देखा है उसमें आपको कुछ भी करने के लिए बड़ा ब्राउज करना पड़ता है, इसमें हर एक चीज़ के लिए एक बटन है। ये मोड चेंज करना है तो देखो रेंज, यूजर, स्लिक, स्पोर्ट, और पता है इसमें जो नॉर्मल मोड है देखो, सबसे ज़्यादा जो लीस्ट पावर मोड है दैट इज़ रेन, ठीक है। रेन के बाद इसमें स्पोर्ट, रेस, स्लिक, ट्रैक, भाई इसमें इजी मोड कौन सा है भाई, रोड मोड तो है ही नहीं S1000 में। एंड ये वाली S1000 RR भाई अगर आप देख लोगे ना भाई, सारी बाइक्स भूल जाओगे भाई। डायनामिक्स की बात कर लो, लुक की बात कर लो, ओ भाई पानी में नहीं, पानी में नहीं, पीछे कुछ भी नहीं लगा है अपनी गाड़ी के।
थोड़ा हल्का रहना पड़ेगा अपने को। और भाई ABS ऑफ करना है, यहाँ पे एक टैप है, आप इसको क्लिक कर रहे हो, ABS ऑफ, सिंगल टैप करो, आपका ट्रैक्शन ऑफ। दैट्स हाउ इजी, दैट्स हाउ ट्रैक फोकस दिस मोटरसाइकिल इज मैन। क्या और क्या उठती है भाई, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, भाई गाड़ी नीचे आने को तैयार ही नहीं है भाई। इतने मजे किए ना मैंने इस मोटरसाइकिल पे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और ये रेन मोड है भाई, ये सबसे लीस्ट पावर मोड पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी अभी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दिल से आपको बताऊँ ना, तो ये वाली मोटरसाइकिल मैं कभी सेल नहीं करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अपनी लाइफ में इसको कभी सेल करूँगा, बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम, और ये दोबारा मिलेगी भी नहीं मुझे, मतलब चांस ही नहीं है भाई। और ऐसी मोटरसाइकिल सिर्फ 6000 किलोमीटर चली हुई ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल तो नहीं मिलेगी। ऊपर से स्टेज 2 209 BHP कार्बन पार्ट एंड कार्बन पार्ट एट द बैक ऑल्सो ऑन द स्विंग आर्म। तो वो चीज़ें मैं अभी जब प्रॉपर बाइक वाइक बताऊंगा दिखाऊंगा तब। आज तो राइड का मन है, तो आज राइड करने वाले हैं सिर्फ। बाप रे भाई, ये रेन मोड है तो स्लिक मोड क्या होगा। फक भाई, पहला गियर लगाते ही, एक्सीलेटर लेते ही भाई हवा में बाइक। शिट मैन, स्लिक क्या होगा भाई। चलो खोलते हैं गाड़ी चल के भाई एक्सप्रेसवे पे। बहुत क्रेजी था भाई, बहुत क्रेजी, मजा आ गया। सुनो, पता है ट्रैक्शन ऑफ था तो और तेज जाने में लग रहा था यू ना हो जाए। हाँ भाई, चले भगाए, थोड़ा भगा ले, मेरा भगाने का बहुत मन कर रहा है। ओ चलो 1 2 3, अरे दूसरा है। ग्लव भी पहनना भूल गया भाई, इतनी जल्दी में देखो कीड़ा मरा है मेरे हाथ पे आके। अभिषेक से बताता हूँ भाई, कांट वेट टू शेयर मैन, कांट वेट टू शेयर भाई। भाई सुनो, भाई भाई सुनो, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, पांचवे में 299 तुम्हारी भाई मम्मी कसम, पांचवे, अबे पांचवे में 299 फिर छड़ डाला है। अबे मैं तुम्हें कैमरा दिखाता हूँ, एक बार देखो भाई। सुनो तो भाई, सोचो वहां से जस्ट शुरू हुआ है और यहाँ पांचवे गियर में 299 कर दिया। 54 पहुंच के थोड़ा सा ही बढ़ रहे थे, देखे अरे खड़ा हूँ भाई। अब टर्न लेके रुकेंगे ठीक है भाई। क्या लेकिन चीज है भाई, मतलब भाई मतलब ऐसा लग रहा है ना कि साला ड्रीम है भाई, अभी भी ऐसा लग रहा है सपना देख रहे हैं, ऐसा भाग रही है वो। दूसरे गियर में पता है व्हीली नीचे कितने पे आई है, 203। हाँ, और एक्चुअली उसमें थोड़ा सा ये उड़ रहा था तो मैंने ये हटा दिया है, बिकॉज मैंने सब कुछ BMW को ऑर्डर कर दिया है, सब कुछ, टी शर्ट से लेके जूतों से लेके गाड़ी के एक एक पार्ट के लिए है, चड्डी चड्डी तक पहनूंगा BMW की। देखो भाई अब तुम बैग तो नहीं खुला, देखो नहीं, ठीक है चलो भैया, तो एक बार और भगाते हैं। चलो पहला गियर,
हेयर इज आवर सेक्सो भाई, क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है, वेरी वाइल्ड मैन। जैसा अपना कैरेक्टर है वैसी इसका कैरेक्टर है भाई, सेम टू सेम। और पहली राइड पे हमने 299 हिट किया, दैट टू फिफ्थ गियर में, एक गियर बचा था। 299 स्पीड ज़रूर दिखाता है बट ये इलेक्ट्रॉनिकली स्पीड इसकी लिमिटेड नहीं है और स्पीड बढ़ती रहेगी, तो मुझे लगता है अगर समथिंग इसको हम खींचें एक स्ट्रेट रोड पे तो 320-330 तक ये स्ट्रेच होगी, ऐसी गाड़ी है ये। बात आती है अपनी जो स्ट्रेट रोड है वो, और यहाँ पे दिखा रहा है कितने डिग्री व्हीली उठी है। मैं देखता हूँ किधर से दिखाता, यहीं कहीं से दिखा रहा था अभी। हाँ ये व्हीली है, 29 डिग्री तो नहीं, ज़्यादा उठी थी, मे बी उसके बाद फिर से नीचे आके हल्की सी उठी होगी, तो ये शायद स्ट्रेट है तो यहाँ भगाते हैं। चलो नेक्स्ट लेवल शिट मैन, कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, कभी नहीं सोचा था कोई गाड़ी ऐसी होगी, मतलब अपनी जो ड्रीम बाइक है दैट विल डू फिफ्थ गियर 299, दिस इज लाइक क्रेजी फॉर मी, सुपर डुपर क्रेजी फॉर मी मैन, सपना लग रहा है भाई, सपना अब नहीं भगा रहा मैं यार। देखो बार बार जब भी मैं ऐसे भगाता हूँ ना बहुत तेज, तो अंदर से एक डर रहता है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें वो दिमाग में याद आने लगती हैं भाई, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा लिमिटेड रहो, भगाओ, मैं ये नहीं कहता है आपने इन्जॉय करने के लिए बाइक लिया कि भगाओ ही मत, बट हाँ एक थोड़ा सा लिमिट में। अब भाई अपना तो काम हो गया, आप थोड़ा व्लॉग करेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, सिर्फ भगाना ही नहीं था मुझे इसमें, तो ऐसा टैंक फुल कराओ, खाली करके आओ, 2-3 राउंड मार के फिर टैंक फुल कराओ। इस टाइम तो लिटरली जब भगा रहा हूँ 5-6 का माइलेज दे रही होगी। ये था फर्स्ट राइड का व्लॉग, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कि मुझे इससे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा प्यार हो गया है ना, एंड दिस थिंग कैन स्मोक फकिंग एवरी मोटरसाइकिल, मतलब मुझे तो लगता है लीटर क्लास कोई भी आ जाए ना, कोई भी इजीली। एक तो इसकी पावर है, हाँ, साथ में तुम्हारी स्किल इतनी, हाँ भाई बाकी हम लोग देख चुके हैं पहले भी, हाँ। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे 10R से इसका करो, तो वो भी करते हैं, 15,000 लाइक्स का एम रखते हैं, 15,000 लाइक्स आएंगे, बात होगी दद्दा से, फिर उसके बाद देखते हैं 10R से इसके अगेंस्ट रख के कैसा क्या रहता है। तो भाई दिस इज़ टोटली क्रेजी, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे नई वाली S1000 क्यों नहीं ली, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो भाई लुक्स भाई लुक्स, और ऐसा भी नहीं कि परफॉर्मेंस में कहीं पर वीक है ये, हर एक चीज़ में भाई एकदम भाई, ये लेजेंड है भाई। इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं ऑन दिस वेरी गुड नोट, आई होप आप समझ पाए होंगे, जो अपने कट्टर वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिनका दिल से दिल का कनेक्शन है, वो समझ गए होंगे ये S1000 कितनी केपेबल है, मतलब पांचवें गियर में 299 हिट कर रहे हैं भाई, और व्हीलीज तो आपने देख ली होंगी आज, तो मुझे लग रहा है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है और क्यों ये ली गई है और आने वाले वीडियोस क्या होने वाले हैं। सो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, ज़बरदस्त फोटोज़ और रील्स तो भाई आग लगा रहे हैं हम दोनों लोग इस टाइम, ऐसी रील्स ऐसी फोटोज़ आ रही हैं, और बस चलो चलते हैं, सी यू सून द नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, इन्जॉय, लिमिट्स में चलाओ थोड़ा, ये आज पहला दिन था तो कुछ लिमिट्स मैंने तोड़ी, बट आगे से थोड़ा और लिमिटेड कूल।